Hello guys, I'm Abhijit Chavan and he's Mayur Nikam and we are filmmakers. Video start करने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं. Video को like, share और comment करिए. ये video बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, specially मयूर का makeup. हमें 2 घंटे लगे उसका makeup करने के लिए और जो makeup artist थे हमारे मानसी और कोमल, उन्होंने काफ़ी मेहनत से मयूर को character में लाने की कोशिश करिए. सो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़. थैंक यू सो मच गाइस. कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मजा तेरे टुकड़े करूं चा, क्या हुआ रेशमा, डर गई हो? क्या करें क्या करें सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे घर जाना है सर प्लीज. क्यों? ताकि तू सजे धजे बाहर निकलेगी, मर्दों को फंसाएगी. साली अभी अंडे से निकली नहीं, साली धंधा करने चली है. मेरी माँ की और तू कटेगी, तो कटेगी. नहीं तो मैंने बस आज के पेड़ को जड़ से उखाड़ना पड़ता है. उनका मेरे सिवा कोई नहीं है, बहुत गरीब है हमसे सर. मैंने इसलिए ये सब किया. काटना पड़ता उसे, मेरे बिना वो जी नहीं पाएंगे सर. और तू कटेगी, तू तो कटेगी. अरे क्या माँ 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 माँ, किसी को कोई फिक्र नहीं तेरी. तो धीरज पांडे कहाँ का है तू? कानपुर. यहाँ कैसे आया? पिताजी लेके आए थे, वो उनको नौकरी मिल गई थी ना यहाँ पे, तो साथ में. शादी हो गई? शादी हो गई हुई थी, छोड़ दिया बीवी को. अच्छा, फिर शादी की क्यों? माँ बाप ने जबरदस्ती करवा दी, इसलिए कर ली थी. औरतों से घिन आती है या नामर्द है तू? दोनों. अपने आप को नामर्द मैंने खुद बनाया. एक रात सपने में देवी आई थी, उसने कहा मुझसे ऐसे करने को, तो मैं निर्वाणा नाम के एक कीड़े के पास गया और उसको बोला कि मुझे अपने जैसे बना दे, तो उसने बना दिया. और इसने एक काम की वजह, औरत की लत, उसकी आदत. सुबह शाम में औरतों के पास जाया करता था, सुबह शाम. फिर जब देवी का आदेश आया ना, तो मैंने इस फसाद की जड़ को ही काट के फेंक दिया और शैतान होती है डॉक्टर, वो मर्दों को बहकाती है, इसलिए मैं नफरत करता हूं उनसे. अपने जूते पे मारता हूं, अपने जूते पे रखता हूं. नहीं,
इससे कहीं ज्यादा करता है तू। उनकी जान ले लेता है, हाथ पैर काट के फेंक देता है, ऐसा दफनाता है कि पता ही नहीं चलता। औरत हो ना, इसलिए रंडियों को भी तरफदारी कर रही हो। तरफदारी नहीं, तुझे तेरा असली रूप दिखा रही हूं। चाहती हूं कि तू अपने अंदर के दरिंदे से मिले, अपनी गंदगी देखे, अपनी बदसूरती को पहचाने। चल अभी बस कर अभी। हाँ? क्यों? अरे नींद आ रही है मुझे। बर्दाश्त नहीं हो रहा? हैरान हूं मैं तेरी आंखों में, ना शर्म है ना पछतावा। इतना सब कुछ करके भी तू मुझसे नजरें मिला रहा है? चल अपनी बकवास बंद कर अभी। फसाद की जड़ तो काट दी तूने, भूख तो अब भी है, औरत तो अब भी चाहिए तुझे। बस कर बोला ना। कुछ कर नहीं सकता ना, इसीलिए मार देता है, हाथ पैर काट देता है। चुप हो जा। और फिर मजे लूटता है। वो चीखती रही और तूने अपने कान बंद कर लिए। चुप हो जा ना। तेरे जैसे आदमी को तो रस्ते पे छोड़ देना चाहिए। चुप हो जा। ताकि लोग तेरे टुकड़े टुकड़े करें। बार बार नहीं बोल सकते एक ही बात को। तुझे जला दें, तुझे फांसी पे चढ़ा दें।